हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम जानते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर जो नंबर बना होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जो कि फॉर्म में है एक्स प्लस आई वाई के। जो इसमें एक्स है ये इसका रियल पार्ट है और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, i क्या दिखा रहा है कि वो इमेजिनरी पार्ट है। तो एक नंबर है z x प्लस आई वाई, एंड फिर है z कंजुगेट। इसको z के ऊपर बार लगा होता है, z कंजुगेट होता है। इसमें क्या करते हैं, जो z में i है, i की जगह माइनस i रखेंगे तो z का कंजुगेट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो एक z है x प्लस आई वाई और एक z है कंजुगेट x माइनस आई वाई। तो जेड और जेड कंजुगेट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला आता है वो है जेड इंटू जेड कंजुगेट इक्वल्स टू जो मॉडुलस जेड है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, जेड और जेड कंजुगेट का जो प्रोडक्ट है, जो उनका मल्टीप्लिकेशन है, वो किसके इक्वल होता है, जो जेड का मॉडुलस है उसके स्क्वायर के। तो जैसा कि अभी हमने देखा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है और जेड मॉडुलस इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है। तो जेड और जेड मॉडुलस का जब हम मल्टीपल करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसमें रखा तो एक्स स्क्वायर ये सब आया और वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मॉड्यूलस जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट यहाँ आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो मॉड्यूलस जेड का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी हमने देखा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और इसकी वैल्यू है मॉड्यूलस जेड स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड कंजुगेट की वैल्यू हो गई मॉड्यूलस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया। तो फर्स्ट जो उसकी फॉर्मूला था, कह लीजिए इसे प्रॉपर्टी कह लीजिए, वो है जेड इंटू जेड कंजुगेट जो होता है वो मॉडुलस जेड के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा है कंजुगेट जेड का जो मॉडुलस है और जेड का जो मॉडुलस है दोनों इक्वल होता है। मॉडुलस ऑफ कंजुगेट जेड एंड मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल। तो फॉर एग्जाम्पल जेड ले लिया हमने एक 2 + 3y। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यही हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 2 + 3i, जहाँ पर 2 इसका रियल पार्ट है, 3 इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मॉड आ जाएगा, अभी हमने पढ़ा कि मॉड जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स की जगह पे 2 स्क्वायर, वाई की जगह पे 3 स्क्वायर। तो मॉड जेड की वैल्यू आई √13। ठीक है, अब हमें निकालना है मॉडुलस जेड। अगर जेड 2 + 3i है तो जो मॉडुलस जेड है वो होगा 2 - 3i। ठीक है, इसका माफ कीजिए, जो कंजुगेट जेड है उसको होगा 2 - 3i। तो मॉड ऑफ कंजुगेट जेड जब हम निकालेंगे, फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, माइनस थ्री का स्क्वायर भी 9 ही होता है, तो प्लस करके आएगा √13। तो जो कंजुगेट जेड का मॉडुलस था और जो जेड का मॉडुलस है दोनों इक्वल है। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कंजुगेट जेड का भी जब कंजुगेट निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा इट्सेल्फ जेड के। ठीक है, जब कंजुगेट जेड का भी कंजुगेट निकालेंगे तो वो जेड ही आएगा। एग्जांपल देख लीजिए, जेड होता है एक्स प्लस आई वाई, कंजुगेट जेड आएगा, आई की जगह माइनस आई रखेंगे तो एक्स माइनस आई वाई। फिर इसका फिर से कंजुगेट निकालेंगे, यानी आई की जगह फिर से माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा, यानी जहाँ से शुरू करा था वहीं आ गए। तो जो मॉडुलस, माफ कीजिए, जो जेड कंजुगेट का जो कंजुगेट है वो क्या होता है, जेड ही होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो गई। पहली प्रॉपर्टी जो हमारी थी वो थी जेड और जेड कंजुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो मॉडुलस जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो थी जेड कंजुगेट जेड का जो मॉडुलस है और जो जेड का मॉडुलस है वो दोनों इक्वल होते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी थी, कंजुगेट जेड का भी जो कंजुगेट होता है वो जेड ही होता है। अगली जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है जेड वन और जेड टू का जो प्रोडक्ट है उसका कंजुगेट वो इक्वल होगा जेड वन के कंजुगेट और जेड टू के कंजुगेट के प्रोडक्ट के। ठीक है,
तो इसके लिए जेड वन हमने कुछ मान लिया 2 + 3i, जेड टू कुछ मान लिया 4 + 5i, जेड वन और जेड टू को जब मल्टीप्लाई करा तो वो आया -7 + 22i। उसका कंजुगेट कैसे निकालेंगे कि i की जगह माइनस आई रखेंगे तो -7 - 22i बन जाएगा, ठीक है। अब जेड वन का अलग से कंजुगेट निकाल लिया 2 - 3i, जेड टू का अलग से निकाल लिया 4 - 5i, दोनों को जो प्रोडक्ट करा ये भी कितना आया -7 - 22i। यानी जो जेड वन जेड टू का जो प्रोडक्ट है उसका कंजुगेट निकालेंगे, फिर जेड वन का अलग से जेड टू का अलग से कंजुगेट निकालेंगे तो दोनों इक्वल ही आएंगे। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है जेड वन इंटू जेड टू कंजुगेट, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ जेड टू का कंजुगेट है, वो इक्वल होता है जेड वन कंजुगेट इंटू जेड टू का होल कंजुगेट, ठीक है। तो इसके लिए अभी अभी हमने पढ़ा कि जेड वन जेड टू का जो होल कंजुगेट है वो इक्वल होता है दोनों के अलग अलग कंजुगेट के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई करी, दोनों का प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये कंजुगेट दोनों के साथ जाएगा, इसके साथ भी चला गया इसके साथ भी। ये भी हमने पढ़ा कि जब कंजुगेट का भी कंजुगेट होता है यानी जेड वन के कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल टू जेड वन, तो यहाँ सिर्फ क्या प्रूव हो गया, जो जेड वन कंजुगेट है इंटू जेड टू का होल कंजुगेट इक्वल टू जेड वन इंटू जेड टू कंजुगेट। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा प्रूफ है। अगली जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है सिक्स्थ वाली, वो है जेड वन इंटू जेड टू कंजुगेट प्लस जेड वन इंटू जेड टू कंजुगेट का होल कंजुगेट इक्वल्स टू टू रियल पार्ट ऑफ मॉडुलस जेड वन जेड टू कंजुगेट, ठीक है। तो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले जेड वन हमने 2 + 3i, जेड टू हमने मान लिया 4 + 5i, तो जेड टू का जो कंजुगेट आएगा वो आएगा 4 - 5i। अब आप देखिए जेड वन इंटू जेड टू कंजुगेट कर दिया 2 + 3i इंटू 4 - 5i, इसको सॉल्व करके आएगा 23 + 2i, सॉल्व आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने जेड वन प्लस जेड टू कंजुगेट प्लस ये जो आया है उसे प्लस कर दिया, तो ये था 23 + 2i, ये था 23 - 2i, ए प्लस सिक्स, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड भी हमें प्रूव करनी थी, जो थी 2 रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू कंजुगेट का मॉडुलस। तो जेड वन जेड टू कंजुगेट का मॉडुलस कैसे आएगा, x² + y² हमने पढ़ा था, तो x 23 है y 2 है, तो आगे re लिखा है यानी सिर्फ रियल पार्ट लेना है, रियल पार्ट इसमें सिर्फ 23 है तो 2 को हम नहीं लेंगे, 23 बाहर आ जाएगा, 2 × 23 आएगा 46। तो LHS भी 46 आया था, RHS भी 46 आया है, यानी ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। तो ये कुछ थ्योरम्स थी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, हमने 6 थ्योरम्स तो नहीं कहेंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़े, 6 फॉर्मूलेस पढ़े जो हमें क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।